एक रीज़न है कि बोलते हैं कि लखनऊ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा तमीज़ वाले होते हैं। उन्होंने ये वो चीज़ हमें प्रूव करके बताई है। तो ये देख लो यार, पहुँच गए भाई टुंडे कबाबी, अंदर जाएंगे और ऑर्डर करते हैं फटाफट। बहुत ज्यादा स्वाद है, मजा आ गया। मतलब क्या बोलते हैं इसको, बताशा? आई थिंक। आयुश्योर? हमें पता नहीं है, किसी को पता है तो कमेंट में बताना। हमारी तो हुई है फ्लाइट डिले, अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि कितनी डिले हुई है। मजा लेकिन बहुत आया यार, अमेजिंग ट्रिप थी लखनऊ की। मैच का एक्सपीरियंस भी नो डाउट बहुत बढ़िया था। पहुंच गए भाई फाइनली दिल्ली वापस। दिल्ली को दिल्ली में जितवाएंगे, तो अब देखते हैं क्या होता है। हाय YouTube फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन, एक नया ब्लॉग। आज है 2 अप्रैल और इस समय बज रहे सुबह के 10:30 और मैं जान लगी हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने। सुदीप कर रहा है एडिटिंग, तो उसका ब्रेकफास्ट लेके आऊँगी अब ऊपर। ये मैंने लिया है अपना ब्रेकफास्ट, और भी ऑप्शंस हैं बट आई थिंक अभी के लिए ये परफेक्ट है। या ये कॉफ़ी कैपेचिनो, इतनी बढ़िया कॉफ़ी बनाई है ना उन्होंने, स्ट्रॉन्ग 4 शॉट्स। मैंने तो कर लिया अपना ब्रेकफास्ट और सुदीप का मैंने करा लिया पैक, और वो मैं लेके जाऊंगी ऊपर। अब A few inches later दोपहर के बज चुके हैं 2:30 इस टाइम पे। अब प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि ऑटो वाले भैया आ चुके हैं बाहर, और बहुत ही बढ़िया बंदे हैं यार ये। मतलब इन्होंने कल भी पूरा दिन हमें घुमाया, आज फिर आ गए। अभी हम जा रहे हैं इस टाइम पे अमीनाबाद जा रहे हैं ना, अभी तो अमीनाबाद जा रहे हैं इस टाइम पे, और जाके फटाफट से एक बारी इसमें कुछ सामान वामान लेना ये लेगी वहाँ से। उसके बाद भाई मेरे को लग रही है बहुत तगड़ी भूख, और आज जाना है टुंडे कबाब, बहुत फेमस है भाई लखनऊ में, सबको पता है। तो फटाफट से बाहर चलते हैं और ऑटो में बैठते हैं। कैसे भी बताया सुनील ने, हम बस निकलने लगे हैं। तो हम आपको मिलाएंगे अभी वो ऑटो वाले भैया से, जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा कल, मतलब यहाँ पे ऊबर ओला बार बार कैंसिल हो रही है और कोई नहीं आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन भैया ने हमें पूरा दिन, उन्होंने बोला मैं आपके साथ रहूँगा, आपको जहाँ जहाँ जाना है मैं लेके जाऊँगा, आप नेक्स्ट डे भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। तो भैया आज भी आ गए हैं, ओला ऊबर के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं यहाँ पे। तो आपको उनसे मिलवाते हैं और फिर हम सीधा चलते हैं अमीनाबाद। हम लोग बैठ गए ऑटो में, रोहित भैया जो है ऑटो वाले, मिल लो यार ये मिल लो, तो हम आपको मिलवाते हैं उनसे। रोहित जी, ये भाई रोहित लखनऊ में ही रहते हैं, लोकल हैं यहाँ के, और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें आज घुमाया फिराया एक दो दिन पूरा। ऐसा है मेरे लिए ये रोहित नहीं है, मैंने इनको बोला तुमने दाढ़ी रखी हुई है कबीर सिंह जैसी, मेरे लिए ये कबीर है। ओ अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? मैं क्या बोलता हूँ भाई, फोन पे जब मैं आपसे बात करता हूँ कबीर बुलाता हूँ ना मैं, बता दो रोहित जी मेरे लिए कबीर हो आप। तो वैसे आप निकल रहे हैं अमीनाबाद, हम लोग आए हैं अभी अमीनाबाद, और यहाँ पे मेरे मम्मा के फर्स्ट कज़न जो है उनका यहाँ पे शोरूम है डेकोर का, तो उनके साथ हम यहाँ बैठे हैं और उन्होंने हमें ये सब खिलाया है। ये देख लो भाई, ये तो मुझे पता नहीं क्या है, लखनऊ की कह रहे हैं कोई बहुत फेमस चाट है ये, और बहुत ज़्यादा स्वाद है, मज़ा आ गया। मतलब खा के क्या बोलते हैं इसको, बताशा आई थिंक। आर यू श्योर? नहीं नहीं चलो देख लो यार, हमें पता नहीं है, किसी को पता है तो कमेंट में बताना। और साथ में ये टिक्की है, ठीक है, अब ये भी टिक्की है, ये भी हम ओपन करेंगे। और ये शिकंजी देख लो भाई, यहाँ पे मोदी नगर वाली शिकंजी की याद नहीं आ गई वैसे पीके एक तरीके से, इससे भी बेटर है भाई। ये है कि हमारे दिल्ली में नहीं मिलती ऐसी, बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं मिलती। लोग फटाफट से ये खाते हैं और खा के फिर इसके बाद जाएंगे टुंडे कबाबी। क्यों भाई? तो ये देख लो यार, पहुँच गए भाई टुंडे कबाबी अलीगंज लखनऊ के अंदर, और अब अंदर जाएंगे और ऑर्डर करते हैं फटाफट, भूख बहुत लग रही है यार। हमारा ऑर्डर आ गया है, ये हमारे टुंडे कबाब, मटन रोटी देख लो भाई, ओए होए क्या जबरदस्त है भाई। ये पराठे चटनी एंड अनियन, और जो ये है भाई मुंह में जाते ही घुल जाता है, ऐसा सुना है हमने। दिल्ली ले जाने के लिए अपने लिए गोश्त बिरयानी भी पैक कराई है, मटन बिरयानी फुल पैक कराई है, तो वो हम रात को जाके खाएंगे, आज खाएंगे भाई रात। तो चलो फटाफट खाते हैं टुंडे कबाब। भैया ने हमने बोला कि यहाँ आए हो तो यहाँ की फिरनी, मतलब खीर जरूर खाते जाना, तो हमने एक प्लेट ली है। हम मीठा वैसे ज़्यादा खाते नहीं है, तो जस्ट टेस्ट करने के लिए। ये देख लो यार, फटाफट से टेस्ट करते हैं फिर निकलना है भाई एयरपोर्ट के लिए। हम लोग निकल गए हैं अमीनाबाद से, जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी फ्लाइट है 8:25 पे। A few moments later पहुंच गए एयरपोर्ट, और हम जाने लगे अंदर, और ये सामान देख लो यार यहाँ पे हमने निकाल दिया। इन्होंने बहुत हेल्प करी दो दिन हमारी, हमारे लिए वेट करा, हर चीज़ करी। एक रीज़न है कि बोलते हैं कि लखनऊ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा तमीज़ वाले होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने, हमारी फर्स्ट ट्रिप थी यहाँ पे, और इन्होंने ये वो चीज़ हमें प्रूव करके बताई है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है, ये थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं कैमरे में, बट ये समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम थैंक यू बोल रहे हैं आपको, शुक्रिया बहुत बहुत आपको। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे नंबर सेव कर लिया हमने, मेरे लिए तो कबीर है, मैंने कबीर का नंबर सेव कर लिया, तो कबीर को करूँगा कॉल अगली बार जब भी आएंगे,
मैच के टाइम ही आएंगे यार, अब जब भी आएंगे नेक्स्ट टाइम। हम लोग अब निकलते हैं दिल्ली के लिए अंदर, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे तो हुई है फ्लाइट डिले भाई, अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि कितनी डिले हुई है, कब तक वेट करना है हमें, तो तब तक मैं पी रही हूँ ये कोस्टा कॉफ़ी। सब सोच रहे होंगे स्टारबक्स नहीं है, तो यहाँ है ही नहीं इस एयरपोर्ट पे, सिर्फ अराइवल पे है, डिपार्चर पे नहीं है स्टारबक्स। तो बस अब बैठे हैं वेट कर रहे हैं, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी भी डिले ही दिखा रहा है, तो देखते हैं कब चलती है फ्लाइट, कब पहुँचते हैं दिल्ली। 8:15 हो गए हैं भाई और बोर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट, आधे घंटे में डिपार्चर है। हम लोग बस गेट के बाहर ही बैठे हैं और फटाफट से अब जाएंगे। लाइन देख लो इधर एक बारी पीछे, बस फटाफट चल रहे हैं, थक गए अब। बैठते हैं सीट पे भाई और उसके बाद फिर निकलते हैं सीधा गुड़गांव के लिए। 2 hours later ये देख लो यार पहुंच गए हैं भाई फाइनली दिल्ली वापस। अब नीचे जाके फटाफट से अपनी गाड़ी लेनी है जो पार्किंग में लगाई हुई है, फिर निकलते हैं गुड़गांव। हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट से और सेफली हम लैंड कर गए थे, अब हम बस जा रहे हैं अपने गुड़गांव वाले घर। घर पहुंच चुके हैं हम लोग और अभी भी जस्ट डिनर किया है हमने, जो हम टुंडे कबाबी से बिरयानी पैक करा के लाए थे वही हमने खा लिया है। अभी बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, 2 दिन से काफी ट्रैवल किया, थक गए, मजा लेकिन बहुत आया यार, मजा आया, अमेजिंग ट्रिप थी लखनऊ की। मैच का एक्सपीरियंस भी नो डाउट बहुत बढ़िया था, ऑल्दो दिल्ली हार गई बट ठीक है, गेम है, ये भी ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे यार बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था ग्राउंड का, प्लस ट्रिप तो थी बढ़िया एकदम। मैंने वहाँ पे जो शॉपिंग करी थी तो मैं थोड़ी थोड़ी आपको दिखा देती हूँ ऊपर ऊपर से। तो वहाँ का जो फेमस है चिकन करी, मैंने उसकी कुछ कुर्तीज ली है। यार चिकन करी तो खाने वाली होती है, इट्स चिकन कारी, चिकन कारी। ये बस कुछ कपड़े लिए हैं मैंने, मुझे मैं बहुत ज्यादा ओपन नहीं खोल रही हूँ, बहुत थक चुकी है। एक दो मैंने वैसे ही सूट्स ले लिए हैं, इन पे भी चिकन करी का ही काम है। हम नॉर्मल अपने पाकिस्तानी सूट्स है दूसरे पहनते हैं ना, उस पे काम करके उन्होंने दिया हुआ है, तो ये एक अलग ही चीज़ है जो बाकी कहीं नहीं मिलती है। लखनऊ में गए थे दिल्ली और लखनऊ का मैच देखने, तो दिल्ली तो हार गई वहाँ पे, लेकिन ट्यूजडे को एक और मैच है दिल्ली का, ये रही उसकी टिकट्स, ये देख लो भाई। तो अब होपफुली दिल्ली को दिल्ली में जितवाएंगे, अब देखते हैं क्या होता है। ट्यूजडे हम जा रहे हैं इवनिंग में मैच देखने, दिल्ली वर्सेस गुजरात टाइटंस, दिल्ली वर्सेस गुजरात टाइटंस, तो होपफुली दिल्ली जीतेगी। अब वक्त आ चुका है आज का ब्लॉग भाई एंड करने का, बहुत ज्यादा थकावट है, सोने लगे हैं, थक गए हैं भाई काफी। हम लोग आपसे मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर और गुड नाइट।